अब हम देखेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जो कि रैंडम असाइनमेंट को ज़्यादा कंड्यूसिव बना देती हैं द फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट व्हेन डिमांड फॉर सर्विस आउटस्ट्रिप्स सप्लाई रैंडमाइजेशन कैन बी अ क्रेडिबल रैशनल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्विस फ्रीयली इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जैसे कि एक समर यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम है आपने उसके लिए जो है uh, कुछ ग्रेजुएट्स को सिलेक्ट करना है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप उसको नॉन रैंडम बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे तो उसकी शायद अफक्टिवनेस जो है उस यूथ प्रोग्राम की इतनी ज़्यादा ना रहे उस पर क्वेश्चन उठे अगर आप उसको रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और फिर उनकी अफेक्टिवनेस देखेंगे अमंग द स्टूडेंट्स तो वो उसकी कंपेरिटिवली ज़्यादा होगी द सेकेंड कंडीशन इज़ दैट वेन इनोवेशन कैन नॉट बी डिलीवर टू ऑल यूनिट्स एट वंस इसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ जैसे आपने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है स्कूल लेवल्स पे आपने कुछ स्मार्ट क्लासरूम बनाने हैं तो हम जैसे लाहौर डिवीज़न में हम डिसाइड करते हैं कि हमने स्मार्ट क्लास को इंटीग्रेट करना है स्कूल लेवल पे तो हम तमाम स्कूल्स में एट अ टाइम नहीं बना सकते तो हम कुछ सलूक स्कूल्स uh, जो हैं वो सिलेक्ट uh, कर लेंगे ऑन रैंडम बेसिस और फिर उनमें इंटीग्रेट करेंगे स्मार्ट क्लास और फिर उसकी इफेक्टिवनेस देखेंगे कि वो कितने इफेक्टिव हैं तो फिर उसको हम जो है अदर स्कूल्स में भी लेकर जा सकते हैं द थर्ड कंडीशन इज दैट व्हेन एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर सेपरेटेड और इंटर यूनिट कम्युनिकेशन इज लो जैसा कि पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन में होता है कि मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि यू हैव टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गाइनाकोलॉजिकल एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज टू क्लाइंट्स ऑफ हंड्रेड जोग्राफिकली सेपरेटेड कम्यूनिटी क्लिनिक्स इन पंजाब तो अब इस कंडीशन में आ, आप रेंडम असाइन करते हैं वो हंड्रेड क्लिनिक्स और उसमें से जो लोग आते हैं वो सर्विसेज को अवेल करते हैं उनके दरम्यान ख़ुद से तो एक जो है कम्युनिकेशन नहीं है पर वो डिफरेंट स्पेसेस पे डिफरेंट लोकेशंस पे वो जो है वो सर्विस को अवेल कर रहे हैं मगर हम उन तमाम का डाटा जो है एट अवान्स उसको एनालाइज कर सकते हैं द फोर्थ कंडीशन इज़ when चेंज इज़ मैंडेटेड एंड solutions आर acknowledged टू बी unknown. इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मेनोपोलिस पाउज अब्यूज़ एक्सपेरिमेंट की जो कि मेनिसोटा में किया गया जहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि जब कोई कंप्लेन आए अगेंस्ट पाउजल वायलेंस तो जब वहाँ पे फोर्स ला इन्फोर्समेंट एजेंसी पहुँचेगी तो क्या वो पहले उनसे काउंसल करेगी और फिर उनको टाइम देगी या उनको अरेस्ट करेगी या उनको जो है जो काउंसलिंग सर्विस के लिए भिजवा देगी तो इन तीन जो है कंडीशंस पे जो रैंडमली असाइन किया गया जो स्पाउजल वायलेंस के केसेस थे तो उससे ये पता चला कि जो है आपका जो काउंसल करना आफ्टर द कॉल वो ज़्यादा अफेक्टिव है द लास्ट कंडीशन इज़ वेन अ टाई कैन बी ब्रोकन और एम्बिगविटी अबाउट नीड कैन बी रिजोल्व तो ये एक ऐसी सर्विस होती है जैसे कि जमीनइल डे, डेलिक्वेंट्स है आपने उनको रिहेबलीटेन उनकी करनी है तो उनको आप सिलेक्ट कर लें रेंडमली बेसिस पे फॉर थ्री और फोर इंटरवेंशन जैसे उनको काउंसल करके रिलीज़ करना है उनको प्रोबेशन को रेफर करना है या उनको इंटेंसिव जो है सोशल सर्विस प्रोजेक्ट में लेके जाना है जिसमें काउंसलिंग भी हो रिमीडियल एजुकेशन भी हो रिक्रिएशन भी हो और सब्सटेंस अब्यूज सर्विस भी हो कि कैसे वो उससे छुटकारा पा सकते हैं तो इस सिचुएशन में भी जो है आपकी रैंडम असाइनमेंट जो है वो ज़्यादा यूजफुल है तो आगे हम अब इसके बाद देखेंगे कि हमारे जो है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस कौन से हैं